हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीजी ऑटो कैट में। बहुत से सिविल इंजीनियर और फ्रेशर्स इंजीनियर के मन में सवाल रहता है कि इंटरव्यू में किस तरह का क्वेश्चन किया जाता है, तो आज मैं इसी पर वीडियो लाया हूँ। ये जो मैंने टेस्ट पेपर लिया है ये जेके लक्ष्मी सीमेंट का है, तो चलिए देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन किया जाता है इंटरव्यू में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं तो इसमें पूछा गया है मिनिमम 28 डेज स्ट्रेंथ ऑफ पीपीसी। पीपीसी मतलब पोर्टलैंड पोजन आला सीमेंट। तो यहाँ पूछा गया है कि 28 दिन बाद पीपीसी जो सीमेंट है पोर्टलैंड पोजन आला सीमेंट का स्ट्रेंथ कितना होता है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ 33 मेगा पास्कल होता है या 330 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर दो की बात करते हैं तो IS-456 इस कोड ऑफ प्रैक्टिस फोर। तो IS-456 जो कोड है किस लिए यूज़ किया जाता है, तो मैं यहाँ आपको बता दूँ कि ये जो कोड होता है जनरल स्ट्रक्चर यूज़ ऑफ प्लेन एंड रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के लिए यूज़ होता है। वहीं क्वेश्चन नंबर तीन की बात करूँ तो इसमें पूछा गया है IS-269 2015 डिजाइन, IS-269 किस लिए डिजाइन किया गया है, तो मैं आपको बता दूँ OPC-43, OPC-33, OPC-53 ऑल ऑफ अबव, तो ये सभी के लिए यूज़। अब क्वेश्चन नंबर चार की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर चार में पूछा गया है सीमेंट इज टेस्टेड फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ स्पेशली फॉर, तो यहाँ पे दिया है 3 डेज, 7 डेज, 28 डेज और ऑल ऑफ अबव, तो यहाँ पे 7 डेज आएगा, यहाँ पे 28 डेज जो मार्क किया गया है ये रॉन्ग होगा, तो यहाँ पे सही आंसर होगा इसका 7 डेज। और इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच का, तो फ्लाई एश कंटेंट रेंज इन पीपीसी एस पर बीआईएस, तो फ्लाई एश में कंटेंट रेंज कितना लिया जाता है, तो यहाँ पे 15 से 35% मतलब 15-35% तक लिया जाता है। वहीं क्वेश्चन नंबर छः की बात करते हैं तो एस पर IS-456 2000 मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज फॉर RCC, तो RCC के लिए मिनिमम ग्रेड कौन सा होगा, तो RCC के लिए मिनिमम ग्रेड होता है M20 जो 1:1.5-3 के रेशियो में होता है। यहाँ पे जो M5-1:6-12 का जो है ये गलत है क्योंकि यहाँ पे RCC पूछा है। क्वेश्चन नंबर सात की बात करते हैं 1% ऑफ वाइड इन अ कॉन्क्रीट मिक्स वुड रिड्यूस इट्स स्ट्रेंथ बाय अबाउट, तो 1% रिक्तियाँ जो है मतलब खाली स्थान कंक्रीट को कितना परसेंट कमज़ोर करती है, तो 5% तक ये कमज़ोर करती है। क्वेश्चन नंबर एट की बात करते हैं तो पूछा गया है इन विंटर सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट एट साइट, तो यहाँ पे इंक्रीज होगा जो ठंडी के समय में जो सीमेंट का सेटिंग टाइम होगा वो बढ़ेगा मतलब देरी से जमेगा, इसलिए यहाँ इंक्रीज आएगा ना कि डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर नाइन की बात कर लेते हैं लाइफ ऑफ प्रॉपरली स्टोर्ड सीमेंट इन अ सीमेंट गोडाउन इज, तो इसका 3 मंथ्स आएगा क्योंकि 3 मंथ्स के बाद सीमेंट खराब होने लगता है और जम जाता है, तो सीमेंट की वैलिडिटी 3 मंथ की होती है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं तो इसमें दिया है एस पर IS-456 2000 मैक्सिमम अलाउबल सीमेंट कंटेंट इन केजी इन 1 क्यूबिक कंक्रीट इस, तो 1 क्यूबिक कंक्रीट में कितना केजी सीमेंट आएगा, तो इसमें 450 आएगा जो कि ऑप्शन सही टिक किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं एस पर IS-456 2000 मिनिमम सीमेंट कंटेंट इन 1 क्यूबिक मीटर ऑफ RCC M20 वर्क इस, तो M20 के रेशियो में 1 क्यूबिक मीटर में कितना सीमेंट आएगा, तो इसमें 300 केजी तक सीमेंट लगता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं अप्रोक्सीमेंट वॉल्यूम ऑफ 50 केजी सीमेंट बैग इस, तो 50 केजी के सीमेंट में कितना पानी लगता है, तो इसमें 35 लीटर तक पानी लगता है, तो इसमें 35 लीटर मार्क किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं व्हील कास्टिंग 150 × 150 × 150 क्यूब विथ M20 कॉन्क्रीट हाउ मेनी स्टॉक पर लेयर शुड आई टेम्प विथ 16 mm रॉड टू फिल द कॉन्क्रीट क्यूब, तो मैं आपको बता दूं कॉन्क्रीट का जो क्यूब है
वो चार लेयरों में भरा जाता है और 35 स्टॉक 16 mm के रॉड से मारा जाता है, टैप किया जाता है। तो इसमें 35 स्टॉक आएगा और चार लेयर में भरते हैं, ये भी बात आपको ध्यान में रहनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। हाउ मैनी बैग ऑफ सीमेंट अप्रोक्स कंज्यूम्ड इन 1000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस। तो 1000 स्क्वायर फीट के मकान में कितनी बोरी सीमेंट लग सकती है? तो यहाँ 350 से 400 बोरी तक लग सकती है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो स्लम कोन टेस्ट फॉर कंक्रीट इज कैरिड आउट टू फाइंड। तो स्लम कोन टेस्ट जो है किस लिए किया जाता है? स्लम कोन टेस्ट जो है वाटर सीमेंट रेशियो पता करने के लिए किया जाता है कि जो मोर्टार है वो वर्केबल है या नहीं है, तो इसका वाटर सीमेंट रेशियो आएगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो वाइब्रेटर इज यूज्ड फॉर, तो वाइब्रेटर का यूज़ किस लिए किया जाता है? तो हम इसमें कॉम्पैक्शन के लिए यूज़ करते हैं, इसे कॉम्पैक्शन के लिए, सहनन जिसे हम हिंदी में कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। अंडर नॉर्मल कंडीशन द फ्रेट ऑफ रिमूवल ऑफ द फॉर्म वर्क फॉर स्लैब स्पान ऑफ 5 मीटर। तो 5 मीटर के स्पान में हम सेंटरिंग को कब रिमूव कर सकते हैं? तो इसे हम 14 डेज में रिमूव करेंगे। यहाँ पे मार्क किया गया 7 डेज जो गलत है, यहाँ पे 14 डेज में हम इसे रिमूव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। वेट ऑफ कंक्रीट इन केजी फॉर 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर ब्लॉक इज। यहाँ पूछा जा रहा है 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का जो वेट होगा वो कितना होगा केजी में, तो यहाँ 2400 होता है। वहीं हम बात करें स्टील की, तो स्टील का वेट होता है 1440, ये बात याद रखना। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक कितने से कम नहीं होना चाहिए? तो 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। वहीं बात करें केजी में तो 105 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकंड क्लास की बात करें तो 70 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और वही थर्ड क्लास की बात करें तो 35। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। मिनिमम फाइनेस स्पेसिक सरफेस रिक्वायरमेंडेड फॉर कंपोसाइट सीमेंट इन मीटर स्क्वायर पर केजी। तो यहाँ पे आएगा 225, ये 225 सही मार्क किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। द बेसिक पर्पस ऑफ अ रिटेंडर इन कॉन्क्रीट इज। तो टू इंक्रीज द इंटीरियर सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट पेस्ट इन कॉन्क्रीट। यहाँ पूछा गया है कि मंदक का क्या काम होता है, तो टाइम को इंक्रीज करने के लिए होता है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। मैक्सिमम ऑलेबल स्लज कंटेंट इन पीएससी सीमेंट इज अस पर आईएस। तो यहाँ पर 65% सही होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। द स्लैब इज डिजाइंड अस वन वे इफ द रेशियो ऑफ लॉन्ग स्पॉन टू शॉर्ट स्पॉन इज। तो लॉन्ग स्पॉन और शॉर्ट स्पॉन का रेशियो कितना होना चाहिए? तो 2 से ज़्यादा होगा तो 1 वे स्लैब, और 2 से कम होता है तो 2 वे स्लैब। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। मैक्सिमम ऑलेबल स्लज कॉन्टेंट इन कंपोसाइट सीमेंट इज अस पर आईएस। तो ये 50 सही होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। मैक्सिमम ऑलेबल फ्लाई अस कॉन्टेंट इन कंपोसाइट सीमेंट इज अस पर आईएस। तो इसका 35 सही होगा। अब हम बात करते हैं लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा कंज्यूम्ड करने वाला कंट्री कौन सा है? तो ये चाइना सही होगा, चाइना सबसे ज़्यादा सीमेंट की खपत करता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। पोर्टलैंड सीमेंट वॉज इन्वेंटेड इन ईयर, पोर्टलैंड सीमेंट किस वर्ष बनाया गया? तो 1824 ये सही होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। कलर ऑफ लेटर एंड आईएस मार्क ऑन कंपोसाइट सीमेंट बैग इज प्री सब्सक्राइब्ड बाय बीआईएस। तो ये रेड सही होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। प्रेजेंट सीमेंट प्रोडक्शन कैपेसिटीज अप्रोक्स इन इंडिया। तो ये 500
MNTPA होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। अस पर IS 456/2000 मैक्सिमम अवेलेबल वाटर सीमेंट रेशियो फॉर RCC वर्क, RCC वर्क के लिए वाटर सीमेंट का रेशियो क्या होना चाहिए? तो ये 0.5 होना चाहिए, ये 0.6 क्लिक किया गया है, यहाँ पे ये रॉन्ग होगा, 0.5 यहाँ सही होगा। इस पेपर के कुछ क्वेश्चन और बाकी है, ये वीडियो लंबा ना हो इसलिए इसे दो पार्ट में पूरा करने की कोशिश करूँगा, इसका दूसरा पार्ट भी देखना ना भूलें। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह का वीडियो देखते रहें।